हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम फिर से आ चुके हैं अपने टाउन हॉल 11 के बेस पर। और अभी तो फिलहाल मेरा बेस मुझे वेलकम बैक बोल रहा होगा, क्योंकि भाई साहब मुझे बहुत दिन हो गए अपने इस बेस पर आए। और इसका सबूत मैं आपको अपने अटैक लॉग से दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं जब भी अपने किसी अकाउंट पर जाता हूँ ना, तो मैं एक अटैक तो करता ही हूँ उस पर। तो यहाँ पर मैं अपना अटैक लॉग की बात करूँ तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो 12 days and 15 hours पहले मैंने एक अटैक किया था। मतलब रीप्ले तक मेरा यहाँ पर नॉट अवेलेबल शो कर रहा है। मतलब इतनी पहले, मतलब कि मेरे को अगर हम इसको फेसबुक और व्हाट्सएप के लैंग्वेज में कहें ना, मतलब कि मेरा लास्ट सीन 12 days ago का था। क्योंकि भाई साहब आप खुद देख लो, मैं बीच में ये अकाउंट जो मेरा खेलना ही मैंने बंद कर दिया था। ये रीज़न ये था कि बाकी सारे अकाउंट्स पर भी ध्यान देना था। टाउन 7 की लेजेंड पुशिंग कर रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, और बीच में मेरी स्टडीज आ गई थी, उसका थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बट 12 दिन बाद भाई साहब, मतलब कि खुद देख लो, यहाँ पर जब मैं आया ना अपने बेस पर, तो भाई साहब खुद देख सकते हो यहाँ पर मतलब कि एनिमी जो लूट लेकर जा रहा है ना, इवन यहाँ पर चेक करें डिफेंस में तो खुद देख लो भाई साहब 8 लाख लूट लेके चला गया एनिमी। सारा यहाँ मेरी लूट जा रही है। यहाँ पर हम बात करें, सबको कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अब इलिक्सर कलेक्टर भाई साहब देख लो सारे फुल हुए पड़े हैं, इन सबको चलिए सारा कलेक्ट कर लेते हैं। उसी के साथ साथ दूसरी बात करें भाई साहब, यहाँ बिल्डर बेस देख लो, मतलब कि जेम्स यहाँ पर मेरे कलेक्ट हो रहे हैं यार जेम माइन में। इन सबको यहाँ पर भाई साहब 17 gems मिल गए यार, कमाल है। यहाँ तो पूरा फुल हुए पड़े, मतलब कि कोई वर्ड ही नहीं है कहने के लिए। मतलब कि मेरे पास 12 डेज पहले मैं अपने इस बेस पर आया था, उसके बाद मैं आज आगे अपने इस बेस पर आ रहा हूँ। मैंने खेलना ही बंद कर दिया था अपना ये बेस। मतलब कि मेरा बेस शुक्र मना रहा होगा कि आज मैं आ गया इसकी देख रेख करने। मतलब कि यार समझ लो, मैं 12 दिन से इस बेस पर आया ही नहीं हूँ यार। मतलब कि मैं ध्यान ही सिर्फ दूसरे बेसिस पर दे रहा था। बट भाई साहब आज हमने क्या करना है आपको पता ही है यार। इसको हम एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि ये एक और एपिसोड है हमारा रोड टू मैक्स टाउन 11 सीरीज का, क्योंकि हमारी सीरीज का रूल है कुछ भी अपग्रेड कर लो यार, एक वॉल भी अगर हम अपग्रेड करें ना तो वो भी हमारी उस सीरीज का एपिसोड होता है। सो बात करें यहाँ पर लूट अच्छी खासी यहाँ पर आप देख दो हुई पड़ी है। सो हम आज कुछ अपग्रेड्स पर भी लगाएंगे, कुछ क्या भाई साहब सिर्फ वॉल्स ही अपग्रेड पर लगा सकते हैं, और तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं अपग्रेड करने के लिए। या तो बारबेरियन किंग है या तो वॉल्स हैं जो कि 87 वॉल्स हैं, और सबको अपग्रेड करना है तो करेंगे यहाँ पर कम से कम कोशिश करेंगे 3-4 वॉल्स तो अपग्रेड कर ही ले, और देखते हैं अलग अलग जगह से लूट मिलेगी। यहाँ पर लूट कार्ट है, सीजन वॉर्ड्स कुछ हैं, और देखते हैं यहाँ पर ट्रेजरीज में कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, वो तो बात की बात है। पहले बढ़ते हैं अटैक की तरफ। आर्मी यार मेरी कोई चेंज नहीं है, 12 दिन पहले जो मैंने ट्रेन करके रखी हुई थी वही आर्मी अभी की अभी हुई पड़ी है। यहाँ पर एक मिनट, मैंने यहाँ पर इनविजिबिलिटी स्पेल ली हुई है, तो आई थिंक मैं जब हाइब्रिड यूज करता हूँ तो मैं फ्री स्पेल लेता हूँ। मैंने इनविजिबिलिटी स्पेल क्यों ली है आई डोंट नो, बट चलो यार मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इनविजिबिलिटी स्पेल को हटाऊँ फिर फ्री स्पेल करूँ। हम ऐसे चलते हैं, देखते हैं कुछ अलग ट्राई करके, देखते हैं कैसा मजा आता है अटैक करने में। सो बढ़ते हैं अटैक की तरफ। बट उससे पहले गाइस, अगर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज अब तो प्लीज कह रहा हूँ करो यार चैनल को सब्सक्राइब। जा देखो आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को तब तक भाई का चैनल ग्रो होगा। सो प्लीज यार अगर नीचे सब्सक्राइब बटन आपको अभी तक लाल दिख रहा है तो उसको जल्द से दबाकर ग्रे कर दो। देखो यार नया साल आ गया तो नए साल में कोई अच्छा काम करो, किसी को खुशियां बांटो। देखो मुझे खुशी मिलेगी तो मैं अच्छा कंटेंट लाऊंगा, अच्छा कंटेंट लाऊंगा तो आपको खुशी मिलेगी। सो इनडायरेक्टली यार आपके एक सब्सक्राइब करने से सबको खुशियां मिलेंगी। सो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मैं डेली लाइव स्ट्रीम्स लाता रहता हूँ। जरूर करना कि आप क्या चाहते हो कि मैं कौन सी गेम की स्ट्रीम करूँ। सो फिलहाल देखते हैं यार यहाँ पर अगर ओके भाई साहब ये बेस मिला है, बट अगर मैं बेस की बात करूँ तो सो बेस तो टफ है, बट भाई साहब बाकी चीज़ें छोड़ो, 3 स्टार नहीं करना यहाँ पर भाई साहब। आप डार्क लेजर देख लो, मतलब कि क्या ही कहूँ, मतलब डार्क लेजर में चेक करें, एक यहाँ पर है डार्क ड्रिल, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और बीच में। सो ओके प्लान ये रहेगा कि डार्क लेजर सारा मिल जाए, बाकी भाड़ में गया कोई लेना देना नहीं हमें। भाई साहब इतनी ज़्यादा आर्मी था ना, बहुत दिन हो गए ना अटैक नहीं किया, क्योंकि वैसे मैं कम आर्मी था अटैक करता था, टाउन हॉल 9 या टाउन हॉल 7 पे अटैक्स करता था। सो लेट्स सी भाई साहब क्या होता है यहाँ पर। वॉल ब्रेकर्स डाल दे ताकि क्वीन अंदर की तरफ चली जाए, बहुत बड़ी बात होगी क्वीन के लिए। अबे यार क्वीन जाएगी अंदर, ओके सो जा रही है अंदर। यहाँ पर एक बेबी ड्रैगन, सो 63,000 अब रह गए, मतलब कि क्वीन ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर डार्क लेजर निकाले, मतलब डार्क ड्रिल में मेरे को लग रहा है सारा भरा पड़ा है। सो के क्वीन अंदर चलेगी, ओके सो एक रेस पर डाल देते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम 2 वॉल ब्रेकर्स भी डाल देते हैं। अब होप सो क्वीन अंदर चली जाए बस, उसके बाद ईगल आर्टरी निकल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलती तो देखते हैं क्या करते हैं। सो ओके लेट्स सी अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कहते हैं एक वॉल ब्रेकर और सॉरी बैलून, उसके साथ साथ यहाँ पर हम ये क्या है बैटल ब्लिंप, हाँ बहुत दिन हो गए इसको भी नहीं यूज़ किया था बैटल ब्लिंप को। सो ओके भाई साहब यहाँ पर रेस पर डाल देते हैं, यहाँ पर इनविजिबिलिटी स्पेल। सो ओके भाई साहब इनविजिबिलिटी स्पेल तो अच्छी है यार, मतलब मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ बट मेरे को सीरियसली बताऊँ तो अच्छी लगी इनविजिबिलिटी स्पेल। और बात करें यहाँ पर चलिए एक रेस पर डाल देते हैं,
यहाँ पर एक पॉइजन स्पेल, आई थिंक यहाँ मेरी आर्चर क्वीन मर जाएगी। सो के मर गई आर्चर क्वीन। अब मेरे को बताओ क्या चाहिए, एक मिनट रुको भाई साहब, क्या कर रहा हूँ मैं अपने इस अटैक का। एक मिनट, यहाँ से सारे माइनर्स, ओके। सो हमारा मेन प्लान क्या है कि हमने डार्क ड्रिल से सारा निकालना है, तो एक डार्क ड्रिल यहाँ पे पड़ा हुआ है पीछे, सो इससे निकालना है। तो मैं कोशिश करता हूँ, रुको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाता हूँ मैं। एक मिनट, यहाँ पर हम एक इनविजिबिलिटी स्पेल, ओके। ओ यार मैं ये चीज़ तो भूल ही गया, इनविजिबिलिटी स्पेल से भाई सब दूसरा कभी तो इनविजिबिलिटी स्पेल हट जाती है। ओहो आई फॉरगॉट अबाउट दैट। चलिए यहाँ पर ग्रैंड बॉन्ड की एबिलिटी यूज़ कर लेते हैं और लेट्स सी अब यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर एक और हील स्पेल यूज़ कर लेते हैं और किंग की किंग यहाँ डाल देते हैं ताकि ये जो है ना डार्क ड्रिल वो निकल जाएगी। और उसी के साथ साथ यहाँ से अगर ये निकल गया ना तो बहुत बड़ी बात है, परसेंटेज वैसे भी मैटर नहीं करती। बस ओ भाई साहब मतलब सारा डार्क लेजर आई थिंक निकल गया भाई साहब, 85 800 को जाएगा 600, ओहो सारा निकल पाया। बट चलो इतनी ग्रीड भी अच्छी बात नहीं है, तब भी काफ़ी निकल गया भाई साहब। अभी देखें इन टोटल हमें बहुत ज़्यादा मिल गया होगा, 74% ओके है। बट कोशिश तो ये रखी थी क्योंकि 164,000 यहाँ पर 164,000 यहाँ हमारे पास डार्क लेजर हो चुका है। लेट्स सी यहाँ पर और कितना होता है, एक मिनट वेट अ मिनट। यहाँ पर चलिए यार एंड बैटल कर देते हैं, कोई फायदा नहीं। ओ भाई साहब मतलब कि 7200 यहाँ पर हमें डार्क एलिक्सर मिल चुका है। मतलब कि यार एक चीज समझो, ये अटैक अगर हमारा 77% गया ना तो इसको हम लूट वाइज देखें ना तो हमारे लिए 200% गया ये अटैक, इसको ऐसे समझो ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी सोचा था कि 100% करेंगे, इतना टाइम हो गया 12 दिन हो गया अटैक नहीं किया इस बेस पर। बट चलो यार तब भी हमने यहाँ पर बहुत अच्छी लूट निकाल ली, डार्क एलिक्सर मिल गया। और उसी के साथ साथ बात करें यहाँ पर 1,66,000 यहाँ पर हो चुका है और हमारे किंग को कितना चाहिए, 1,85,000 ओके। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर 19,000 डार्क एलिक्सर और चाहिए, तो 19,000 अभी लूट करना बहुत मुश्किल है। यहाँ बात करें 1,66,000 कलेक्टर्स में भी बहुत भरा पड़ा है भाई साहब। और यहाँ पर सीजन में क्या हो रहा है, ओ 8,000 यहाँ से आ गया भाई डार्क एलिक्सर, सॉरी एलिक्सर गोल्ड 1,75,000 हो चुका है। सो हमें चाहिए 85। सो एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर एक अटैक करूँ 2700 ये मिल जाएगा, सो अगर हम 8000 वाला कोई भी बेस ढूंढ लेते हैं सो भाई साहब हो जाएगा। सो हम कर सकते हैं यार कोई एक बेस ढूंढना जिसपे कि हमें लूट मिल जाए अच्छी खासी। सो क्या एक और अटैक की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम डार्क एलिक्सर फार्म कर सकें, हमें अप्रोक्स 7000 या 8000 डार्क एलिक्सर और चाहिए, तो पूरी कोशिश करेंगे अगले अटैक में कर सकें। सो आर्मी को ट्रेन होने देते हैं, 1 2 3 बूम। सो ओके गाइस ये हो चुकी हमारी आर्मी फुल्ली ट्रेन, बढ़ते हैं एक और अटैक की तरफ। सो ओके गाइस ये मिल चुका है यहाँ पर हमारा बेस। और अगर यहाँ पर डार्क एलिक्सर की बात करें जो कि हमारा भी मेन गोल है, सो वो काफी अच्छा मिल रहा है यहाँ पर 6600। सो इस पर करते हैं अटैक, देखते हैं क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि चीजें कहाँ पर पड़ी हुई हैं। सो ओके इस तरफ से करते हैं अटैक, क्वीन को डालते हैं, हीलर्स डालते हैं, क्वीन चार्ज करेंगे यहीं से। और यहाँ पर तीन डाल देते हैं, वैसे दो से आई थिंक काम बनता नहीं, दो से नहीं बनता, चलो अच्छा तीन डाल दिए तब भी हमने। यहाँ पर एक डाल देते हैं बेबी ड्रैगन को, यहाँ पर एक विजर्ड, विजर्ड ऐसे फालतू हो गया। सो लेट्स सी यार अब आर्चर क्वीन अंदर जा रही है, लेट्स सी कहाँ जाती है आर्चर क्वीन एक्चुअल में। ओके सो इधर तीन ये डाल देते हैं, यहाँ पर एक रेस्पेल, जरूरत नहीं थी बट मैंने यहाँ पे वॉल ब्रेकर्स के लिए डाल दी रेस्पेल। सो ओके हमारी आर्चर क्वीन मेरे हिसाब से अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ पर हम एक डाल देते हैं क्या है इनविजिबिलिटी स्पेल, क्योंकि यहाँ पर आर्चर क्वीन को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। सो चलो यार यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा निकाल लिया। सो दूसरी तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ से जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर बैटल ब्लिम डाल देते हैं। वैसे यहाँ पर टोर्नेडो ट्रैप जहाँ तक मुझे लग रहा है ना निकलेगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि निकल सकता है। ओ भाई सब निकला ही नहीं, ये कैसा बेस है भंगार सा, वो निकल गया, देखा मैंने कहा था निकलेगा तो जरूर। सो ओके यार यहाँ पर हमने दो चीज़ें निकाल दी हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमने परसेंटेज निकाल ली है। और उसी के साथ साथ यार अब बढ़ते हैं, एक मिनट यहाँ पर एक इसको डाल देते हैं, यहाँ पर बाकी सारे जितने भी हमारे पास ये पड़े हैं उनको डाल देते हैं, इनको और इस तरफ से इनको डाल देते हैं। सो लेट्स सी यार अब क्या होता है इस बेस पर, कितना अच्छा हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रो ड्रैगन को डाल देते हैं और उसी के साथ साथ अब देखते हैं भाई सब क्या होगा यहाँ पर। ओके भाई साहब मैंने डाल दिया तो ध्यान नहीं दिया, 2000 1700 भाई साहब मुझे लग रहा है यहाँ पर 3 स्टार हो जाएगा और लूट भी हमें सारी मिल जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी हमें पहले खुश नहीं होना चाहिए, पहले हमें देखना चाहिए सारा सिचुएशन की क्या एक्चुअल में हो रही है। यहाँ पर एक हील स्पेल डाल देते हैं और हमारे अब जितने भी हॉग्स हैं, एक मिनट आर्चर क्वीन का तो कुछ पता नहीं आर्चर क्वीन कहाँ जा रही है।
बट पीछे की तरफ हम डाल देते हैं यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर हील। सो लेट्स सी यार अब यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर किंग की एबिलिटी यूज़ कर लेते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर ओके यहाँ पर हम कुछ क्या है ये इनविजिबिलिटी स्पेल डाल देते हैं। एक तो भाई साहब मुझे इसका नाम नहीं याद हो रहा, इनविजिबिलिटी स्पेल बेकार सा नाम रखा हुआ है इन्होंने। ओके यहाँ पर किंग की एबिलिटी, सॉरी ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइजन स्पेल। तो भाई साहब क्या लग रहा है यहाँ पर, अब क्या होगा? मुझे तो वो मुश्किल लग रहा है क्योंकि आर्चर क्वीन जो है ना हमारी यहाँ पर फंस गई है, जो कि क्या कहते हैं वॉल कंपार्टमेंट में फंस गई है। सो ओके भाई साहब यहाँ पर 87% 2 स्टार आया। लेट्स सी भाई साहब 180, ओहो शिट थोड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई साहब। यहाँ पर 180,000 आया हमारे पास, सिर्फ 5500 ही हम यहाँ पर क्लेम कर पाए। 62 मिल रहा था, 700 अराउंड यहाँ पर रह गया। बढ़ते हैं हमारे बेस की तरफ और देखते हैं यार अब क्या कर सकते हैं हम। सो ओके यार हमारे बेस पर तो हम आ चुके हैं, यहाँ सारा कलेक्ट करके 8100, मतलब अगर हम करने की कोशिश करें। सो यहाँ पर चलिए एच ही निकल गई, पावर पोशन तो हमें मिलने से रहा। यहाँ पर अगर कुछ चेक करें कुछ मिल सकता है, नहीं रून ऑफ ये सब पड़े हुए हैं। सो इन सबको हम यूज़ कर नहीं सकते, तो क्या ही करें हम। एक मिनट यहाँ पे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितना डार्क एलिक्सर चाहिए। सो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ओके यहाँ पर हमें चाहिए 3497, जिसकी कॉस्ट अगर हम जेम्स की बात करें 257 जेम्स। ओके मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम थर्ड अटैक की तरफ बढ़ें और कोई ऐसे बेस पर अटैक करें जिसपे कि हमें अप्रॉक्स 1000 या 1500 तक लूट मिल जाए। क्योंकि वैसे भी अगर हमने 1 स्टार कर लिया अगर उस बेस पर, तो 2000 तो हमें वैसे भी लूट बोनस से मिल जाएगा। सो मतलब कर सकते हैं यार, छोटा अटैक रखेंगे हम लोग को जिसपे डार्क एलिक्सर बाहर ही मिल जाए और 1 स्टार भी हो जाए। सो उसी पर करते हैं यार अटैक। आई नो थर्ड अटैक करने लगा हूँ आज की वीडियो का, बट इतने दिनों बात कर रहा हूँ। सो चलो यार कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब जो मर्जी हो जाए बार्बेरियन किंग को तो हमने अपग्रेड पर लगाना ही है। सो आर्मी हमारी फुली ट्रेन हुई पड़ी है, बढ़ते हैं अटैक की तरफ और ढूंढते हैं कोई ऐसा बेस जिसपे कि हमें अच्छी खासी लूट मिल जाए, मतलब कि डार्क एलिक्सर मिल जाए। सो यहाँ पर अगर बात करें तो ओके भाई साहब इस पहले बेस पर ही हमें अटैक कर सकते हैं जिसपे कि हमें 5000 अप्रॉक्स यहाँ पर डार्क एलिक्सर मिल जाएगा, और अगर हमने 1 स्टार कर दिया तो ईजी होगा। सो यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारे यहाँ पर डार्क एलिक्सर कहाँ कहाँ से मिलना है। सो एक तो यहाँ से मिलेगा जहाँ से मैं क्वीन वॉक करूँगा, और यहाँ बात करें सो चलो यार मिल जाएगा। तो यहाँ पर चले क्वीन डाल देते हैं, पीछे सारी हीलर्स डाल देते हैं। अब मेन एम तो ये क्वीन अंदर की तरफ जाए ताकि जो स्टोरेज है उसमें सारा डार्क एलिक्सर निकाल ले। यहाँ पर वॉल ब्रेकर्स डाल देते हैं। सो के यहाँ मैंने सोचा था 2 वॉल ब्रेकर से काम बन जाएगा, बट मैंने उसके लिए डाल दिया, मैं कहा सेटिस्फेक्शन के लिए 3 डाल दिए। सो अब चाहिए कि क्वीन अंदर की तरफ जाए, बट मुझे यहाँ पर रिस्क लग रहा है कि क्या क्वीन अंदर की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी, देखते। ओके भाई साहब यहाँ पर अब क्या कर रही है क्वीन, मेरे को नहीं समझ आ रहा, बाहर जा रही है। शिट हमारा प्लान फेल हो सकता है। ओके भाई साहब हर जगह अंदर की तरफ आ गई। सो अब यहाँ पर हमारा प्लान जो कि हमारा पहले का था वही वापस यहाँ पर रिटेन हो सकता है, देखते हैं यार यहाँ पर क्या होता है। ऊपर की तरफ वॉल ब्रेकर थोड़ा ना बलून डालना था, सो ऊपर बैटल बीम डाल देते हैं और ये जो ईगल अटलिन है उसको हमने निकालना है। बस ईगल अटलिन बाद में बहुत दिक्कत देती है, इसलिए मैं चाहता हूँ पहले निकल जाए। सो टोर्नेडो ट्रैप आ गया, जो कि पिछली बार नहीं आया था इस बार आ गया। क्या लगता है अब यहाँ पर क्या होगा, ईगल अटलिन निकल पाएगी? कि यहाँ पर चले एक पॉइजन स्पेल डाल देते हैं क्योंकि जो आर्चर क्वीन बहुत तंग कर रही है। सो क्या लगता है भाई साहब यहाँ पर ईगल अटलिन निकलेगी नहीं निकलेगी? मेरे को आर्चर क्वीन से डर लग रहा है। सो ओके भाई साहब यहाँ पर ईगल अटलिन निकल चुकी है और अब यहाँ पर मैं सोचता हूँ चलो यार किंग को डाल देते हैं ऊपर की तरफ ताकि फनल बन जाएगा। उसके बाद सारे यहाँ पर जितने माइनर्स हैं उन सबको डाल देते हैं और उसी के साथ साथ पीछे जाएगा ग्रैंड वार्डन और उसके पीछे जाएंगे सारे हॉग राइडर्स। सो यहाँ पर बात करें भाई साहब डार्क एलिक्सर तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, मतलब जितना हमें चाहिए था उतना निकल चुका है। यहाँ पर चलिए एक हम डाल देते हैं इनविजिबिलिटी स्पेल, जो कि वेल प्लान डाली और यहाँ पर मैक्स भी हुई पड़ी हमारी इनविजिबिलिटी स्पेल। सो यहाँ पर रेस स्पेल डाल दी, ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी डाल दी। सो बेस तो ऐसे कुछ रह नहीं गया, बाकी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सो के यहाँ पर हमें एक हील स्पेल यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया मैं। चलिए यहाँ पर जैसे हील स्पेल डाल देते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। इनविजिबिलिटी स्पेल भी अभी हमारे पास पड़ी हुई है और एक हील स्पेल है और एक रेस स्पेल पड़ी हुई है। सो चलिए यार यहाँ पर एक हील स्पेल डाल देते हैं ताकि यहाँ पर जो हॉग राइडर्स है वो बच जाएंगे। यहाँ पर हम एक ओके लेट्स सी क्या करते हैं हम यहाँ पर, बेस वो पड़ा हुआ है भाई साहब, देखते हैं क्या होगा। ऊपर की तरफ माइनस पड़े हुए हैं, हमारा किंग निकाल रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पर चलिए एक रेस स्पेल डाल देते हैं, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा गलत डिसीजन था मेरा। यहाँ पर चलिए एक इनविजिबिलिटी स्पेल डाल देते हैं क्योंकि ये ईगल आर्टिलरी, सॉरी ईगल आर्टिलरी कह रहा हूँ, ये जो मल्टी इन्फर्नो टावर है बहुत दिक्कत दे रहा है। ऊपर की तरफ चले यहाँ पर वॉल ब्रेकर, फिर वॉल ब्रेकर डाल रहा हूँ, आर्चर डालनी है ऊपर की तरफ। सो क्या लगता है यार यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने ईगल आर्टिलरी की एबिलिटी यूज़ कर ली है। भाई साहब बार बार ईगल आर्टिलरी बोल जा रहा हूँ, आर्चर इनकी एबिलिटी यूज़ कर ली है और लेट्स सी देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है यार। ये डबल
जो है ना इन्फर्नो टावर, ये जो मतलब मल्टी इन्फर्नो टावर, ये दिक्कत दे रहा है। बाकी क्या लगता है 99% हो चुका है यहाँ पर। तो क्या लगता है गाइस, क्या यहाँ पर हम 3 स्टार कर पाएंगे? थर्ड अटैक किया गया हमने इस वीडियो का, पिछले तो नहीं हो पाए। ओके गाइस, ये हो चुका है यहाँ पर 100% 3 स्टार। और यहाँ पर अगर हम डार्क एलिक्सर की बात करें तो भाई साहब हो चुका है कंप्लीट। और अगर यहाँ पर हमें लूट बोनस भी मिल चुका है, ओ भाई साहब मतलब कि पहले हमारे पास था नहीं और अब ओवरफ्लो हो रहा है, 2700 यहाँ से मिल चुका है हमें। तो चलो यहाँ पर ट्रेजरीज में जितना पड़ा है सारा वो क्लेम कर लेते हैं। तो भाई साहब 189 हो चुका है यार, मतलब कहाँ हम 185 के लिए मर रहे थे, अब हमारे पास 189 हो चुका है। और इसी के साथ साथ अब हम इजीली अपने बार्बेरियन किंग को अपग्रेड पर लगा सकते हैं लेवल 45 से लेवल 46 के लिए। वो भाई साहब मतलब कि जो कहावत है ना, ऊपर जब भी जाते देता छप्पड़ फाड़ के, हमारे साथ सेम वही चीज़ हुई है यार। कहाँ हमारे पास कुछ नहीं था, हम तरस रहे थे कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और अब भाई साहब ओवरफ्लो हो रहा है यार। मतलब मैं तो अपना, चलो यार तब भी चलो जो अच्छा हो गया यहाँ पर। अब हमने बर्बेरियन किंग को यहाँ पर अपग्रेड पर लगा सकते हैं, अपग्रेड टाइम है 7 डेज। बट गाइस आई होप सो आप सबने नोटिस किया होगा, जब मैंने आपको मैजिक आइटम्स दिखाई थी तो मेरे पास पड़ी हुई थी बुक ऑफ हीरो। सो अगर हम अपने बर्बेरियन किंग को अपग्रेड पर लगाते हैं तो उसके बाद हम बुक ऑफ हीरो को यूज कर लेंगे, मतलब कि हमारे लिए जो अपग्रेड टाइम होगा सिर्फ 1 सेकंड का होगा, हमारे लिए कोई शादी वाला अपग्रेड टाइम नहीं होने वाला। सिर्फ 1 सेकंड में अपने बर्बेरियन किंग को हम लेवल 45 से लेवल 46 का कर लेंगे। सो चलिए इसको अपग्रेड पर लगा लेते हैं, 1 2 3 बूम। सो ओके गाइस, ये हमने बर्बेरियन किंग को अपग्रेड पर लगा लिया है। अब हमारे पास जो बुक ऑफ हीरो पड़ी हुई है उसको हम यूज कर लेते हैं जल्द से जल्द। तो चले गाइस 1 2 3 बूम। सो ओके गाइस, ये हमने बर्बेरियन किंग को अपग्रेड कर लिया है लेवल 45 से लेवल 46 के लिए, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। सो अब बात करते हैं हमारे बाकी रिसोर्सेज की, तो उनकी हेल्प से आपको पता ही, हम सिर्फ वॉल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और तो कुछ हमारे पास अब रह ही नहीं गया अपग्रेड करने के लिए। सो चलो यार यहाँ पर वॉल्स जल्द से अपग्रेड कर लेते हैं। पहले यहाँ पर फर्स्ट वॉल अपग्रेड कर लेते हैं, फिर यहाँ पर सेकंड वॉल अपग्रेड कर लेते हैं जो कि हम गोल्ड की हेल्प से करेंगे, फिर थर्ड वॉल यहाँ पर अपग्रेड कर लेते हैं, फोर्थ वॉल यहाँ पर अपग्रेड कर लेते हैं। ओके भाई साहब, हमारे यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे खत्म हो चुके हैं, मतलब कि हमने 4 वॉल्स अपग्रेड कर लिए और उसी के साथ साथ डार्क लिक्सर की हेल्प से हमने बार्बेरियन किंग को अपग्रेड पर लगा लिया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ये कहा था कि वॉल्स अपग्रेड करेंगे, बट चलो यार जो भी हुआ अच्छा ही हुआ मतलब हमारे लिए। तो और यहाँ पर अब सिर्फ 83 वॉल्स रह गई और बार्बेरियन किंग रह गए जिसको 4 लेवल और लेकर जाना है। तो पूरी कोशिश करेंगे उनको हम जल्द से जल्द कर सकें। तो बस यार यही थी आज की वीडियो यहाँ से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो आपका 1 लाइक मुझे बहुत हेल्प करता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाने का, तो प्लीज लाइक जरूर करना। और हाँ, जैसे उसको मैंने कहा खुशियां बांटने का तरीका, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना मत भूलना। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात यार, एक ना वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट किया करो, आगे कमेंट करके ना मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तो बस फिलहाल के लिए इतने में मिलता हूं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने साथियों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।